Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. I'm Muneeb Tahir and welcome back to another vlog. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. You can see that today I'm in Mansehra or I'm not in Mardan of course. वहाँ से पिंडी गया था, पिंडी से वापस घर आ गया हूँ मैं और अभी जा रहा हूँ यार, ये कैप तो अभी पहनी हुई है ताकि मेरे मैसी बाल नजर ना, और ये लोगों का हाल है इधर, कचरा फेंका हुआ है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अभी मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा हेयर कट वगैरह करवा दूँ, थोड़ा इंसान बन जाए, और रास्ते में फिर देखते हैं दिन को और क्या करना। तो फिलहाल ये इसलिए चले गए, चलते हैं थोड़ा सेट कर लें। इंटरेस्टिंग, ये जो है ना, ये जो सामने स्कूल है, तो यार ये जो है ना, ये मेरा स्कूल था, सही है, मतलब मैंने थर्ड से लेके टेंथ तक जो है वो इस स्कूल में पढ़ा है। इधर से जब मैं गुजरता हूँ मुझे वो टाइम ज़रूर याद आता है। इधर जो है ये वो सेक्शन है, बच्चों का सेक्शन, और साथ गर्ल्स कॉलेज भी है। इस तरफ ये जो है बॉयज़ कॉलेज है, हमारा कॉलेज, जहाँ जो तकरीबन यह कितना बनता है, कितना टाइम बनता है, तकरीबन ऑलमोस्ट राउंड अबाउट जो है ना वो सात साल, यार लिटरली आई कॉन्ट बिलीव, सात साल जो है वो मैंने इधर गुजारे। अच्छा, उसके बाद मैं चला गया था अहमदाबाद तवीरावतन कॉलेज, लेकिन उससे पहले तक जो है मैं वो यहीं था। फिलहाल यार ट्रैफिक का सीन है, मैं निकल जाऊँ पहले फिर बात करता हूँ। अच्छा, इधर की धूप में ना और उधर की धूप में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि मतलब यू कैन फील इट स्ट्रेट अवे, कि मतलब सामने फ़र्क नज़र आता है यार, कितना ज़्यादा फ़र्क है। इधर अब मैं धूप पे चल रहा हूँ ना, तो आई एम नॉट इवन फीलिंग इट, लाइक ठीक है पसीना आ जाएगा मुझे कुछ टाइम में और गर्मी भी लगेगी, लेकिन यह है कि उधर की मतलब जब आप धूप में चल रहे हो तो यू आर लाइक यार ये क्या है। और इधर तो बंदा छाँव पे हो जाए, ये साथ फॉर एग्जाम्पल छाँव है, नाउ आई एम ऑन द शेड सो आई एम गुड, तो पता भी नहीं चलेगा, पसीना भी नहीं आएगा अगर आप शेड में चल रहे हो। बट वहाँ आप शेड में खड़े हो या मर्दान में भी और पिंडी में भी काफ़ी गर्मी है ऑफकोर्स, जितने भी गर्म इलाके हैं, तो यहाँ की गर्मी यार कुछ भी नहीं है। पहले लोग कहते थे, हम जब यहाँ थे हमें भी ये गर्मी ज़्यादा लगती थी, हम कहते थे और तुम लोगों को नहीं पता इधर भी बहुत गर्मी होती है ये वो, लेकिन देर राइट यार, इधर उस तरह गर्मी नहीं होती। बाकी यार मेरा हेयर सलून जो है इधर से थोड़ा सा दूर है, तो इसलिए मुझे वॉक करके थोड़ा जाना पड़ता है। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि इधर कोई भी नहीं है और इसका मतलब मेरी बारी है। अच्छा, तो गैस हेयर कट वगैरह यार डन हो गया है, और अभी जो है अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा डेंटिस्ट के पास, क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी डेंटिस्ट से बात वगैरह तो नहीं हुई, अभी जाते हैं देखते हैं, अगर तो उनके पास जो है रश वगैरह ना हुई तो थोड़ा चेकअप वगैरह करवाते हैं। अच्छा, तो यार डेंटिस्ट वगैरह का मामला हल हो गया, और अभी उनने बुलाया है 3-4 डेट तक आए आप ईद के बाद। अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रा इधर, ये मानी ने लाइब्रेरी नहीं देखी थी, इधर लाइब्रेरी एक अच्छी सी, अल्लाह करे खुली हो, पता नहीं टाइमिंग वगैरह का मुझे सही पता नहीं। तो यार ये है मानसेरा पब्लिक लाइब्रेरी, और इधर से इसकी एंट्रेंस है, और लाइब्रेरी एज ऑलवेज सुनसान ही लग रही है। बंद क्यों है यार, पहले भी मैं आया था एक दफ़ा बंद था, यार ये तो आज भी बंद है, एक बार पहले भी मैं आया था बंद था, आज भी पता नहीं क्यों मालूम। और इधर कोई है भी नहीं सर्कुलेशन डेस्क पे। अच्छा, तो यार अब सीन समझ आया, एक्चुअली अभी तक इसका जो है ना मतलब स्टार्ट नहीं हुई लाइब्रेरी, इस वजह से जो है बहुत सा स्टाफ कम है, इसलिए अभी बाकी सेक्शंस जो है वो बंद है। मतलब ये काफ़ी यार इन्हें अच्छा बनाया है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बुक्स मिल जाएंगी। देखें सेक्शन है डिफरेंट, ये सेक्शन है इधर ना, जो वो इंग्लिश सेक्शन है वो खुला है, तो उधर अंदर जाते हैं बैठते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू लाइक द व्लॉग, और बाकी जो है मेरी ईद की तैयारियाँ पूरी हो गई हैं, और शॉपिंग वगैरह पहले ही कर ली हुई थी इसलिए उसका व्लॉग नहीं बना सका मैं, तो बस अब मेरी ईद की तैयारी यही थी भाई, और बस देखें बाल वगैरह फिट हो गए, बाकी सारा काम भी फिट हो गया। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इफ़ यू लाइक द व्लॉग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर करना। फॉकस गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम। I don't wanna fall in love.